नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंदबसौदा में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विदिशा में पूर्व विधायक निसंग जैन के नेतृत्व में विदिशा कांग्रेस ने शंख और टपेले बजाकर एसडीएम कार्यालय में जंगी प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न मांगों के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रदर्शन पूर्व विधायक कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर की सड़कों से होता हुआ एसडीएम कार्यालय पहुंचा। यहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं शंख और सीटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को पूर्व विधायक निसंक जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीड़ित किसानों के साथ शंख टपले सीटी बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अत्यधिक भीड़ होने के बाद एसडीएम कार्यालय में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। तकरीबन आधा घंटे एसडीएम कार्यालय के पास पूर्व विधायक बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पहले ही कीट बीमारी का प्रकोप फसल में छा गया है और अब हाल में ही 3 दिनों से भारी बारिश से बची हुई फसल भी चौपट हो गई है। किसानों की सोयाबीन, उड़द एवं मूंग की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी स्थिति में बर्बाद फसलों का जल्द से जल्द सर्वे प्रारंभ कराया जाए एवं नुकसान का मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा प्रीमियम की भी राशि दिलाई जाए। साथ ही कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के समय जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी तो और अतिवर्षा से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ₹40,000 प्रति हेक्टर मुआवजा देता। वर्तमान में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो अब ₹40,000 प्रति हेक्टर से मुआवजा दिया जाए। वहीं ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में ₹50,000, दूसरे चरण में 1,00,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तीसरे चरण में 1,00,000 से 2,00,000 तक का कर्जा माफ होना था, लेकिन कांग्रेसी सरकार गिरा दी गई जिससे शेष बची किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में शेष रह किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों की ऋण वसूली निरस्त की जाए। वहीं एसडीएम ने भी माना है कि अभी तक बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराने के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। पूरे विदिशा जिले में सोयाबीन की और उड़द की फसल पहले जो कीड़ा लगा था उसकी वजह से बर्बाद हुई, जो शेष थोड़ी बहुत बची थी वो पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। हमारी मांग है, हम तो वो मांग कर रहे हैं जो शिवराज सिंह जी ने पिछली साल कमलनाथ जी की सरकार से की थी कि ₹40,000 प्रति हेक्टर के मान से सोयाबीन का और उड़द का मुआवजा दिया जावे। और उन्होंने कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो ₹40,000 प्रति हेक्टर देता। आज यदि वो बोलते कि मुख्यमंत्री हैं या नहीं, वर्दी है, तो जो मांग उन्होंने की थी उसको पूरा किया जावे, सिर्फ हमारी यह सबसे बड़ी मांग है। दूसरी, जो कांग्रेस सरकार के समय में जय किसान ऋण माफी योजना माननीय कमलनाथ जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई थी, उसकी जो शेष बचे किसानों की राशि है वो जल्दी जारी की जाए। किसानों की बैंकों की ऋण वसूली स्थगित की जावे। अगली फसल के लिए खाद बीज बिना ब्याज के सोसाइटियों के द्वारा उपलब्ध कराए जावे। ऐसी कुछ मांग हमारी किसानों के लिए हमने दी है और हमारी चेतावनी है कि यदि शीघ्र सर्वे जारी नहीं किया गया, सर्वे नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। श्रीमान जी ये बोल रहा चौपट कर दिया है जिससे किसान बहुत दुखी है। ऐसी स्थिति में किसानों की मांगों के संबंध में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ निम्नानुसार ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है। नंबर 1, किसानों की सोयाबीन उड़दन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंज बासुदा विषय किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, जैसा कि आप